घोटाले में मनीष सिसोदिया से ईडी की टीम ने कल पूछताछ की जेल के अंदर, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर मनीष सिसोदिया से जिस तरीके से पूछताछ हो रही है उसको लेकर के मोर्चा खोला। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी भी सिसोदिया के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम तिहाड़ जेल में सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। ईडी के अफसरों ने सिसोदिया का बयान दर्ज किया। सोमवार को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से सिसोदिया से पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी। मनीष सिसोदिया दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नया दांव चला है। केजरीवाल ने होली के मौके पर आज देश के लिए प्रार्थना करने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि देश की हालत चिंताजनक है, होली पर प्रार्थना करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि देशभक्तों को जेल भेजकर पीएम ने देश लूटने वालों को गले लगाया है।